हेलो गाइस और गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या बोलूँ मैं, मतलब तो रहन दो फिर। मतलब व्लॉगिंग श्लॉगिंग का इतना आइडिया तो है नहीं मुझे, पर जो भी करती हूँ वो दिखाने की कोशिश करती हूँ। ऑब्वियसली अभी स्टार्ट किया है ये व्लॉगिंग, थोड़ा फ्री हूँ इस टाइम पे। तो अभी मैं शाम को रोज़ सीए से आती हूँ घूमने, जिसमें ये देखिए ये हेलो बोल रहा है सी आए, ये भी हेलो बोल रहा है, हाय हेलो। सो इनके लिए बिस्किट्स लेके आते हैं, चलता है यार थोड़ा बहुत, ये सबको थोड़ा थोड़ा खिलाते, जितना हो सकता है उतना ही खिलाया जाता है, पर क्या ही जाता है यार। अगर तुम्हारे पास है तो तुम लोगों को चीज़ें देना सीखो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। ये लोग अभी भी पीछे ही पीछे आएंगे, मतलब जब तक उनको आस रहेगी ना कि मेरे हाथ पे ये पैकेट है, तो ऑब्वियसली वो आते ही रहेंगे पीछे पीछे। देखो कहाँ तक आते हैं पीछे पीछे। कुछ मतलब याद आ गया तो बोल ही देती हूँ। देखो लाइफ में सबके साथ रहना और इंजॉय करना इट्स इजी, सो इजी, पर अपने आप को लोगों से अलग रख के खुद में इंजॉय करना इट्स टू टफ, पर सच में इट्स अ बेस्ट थिंग। मतलब क्योंकि लोगों का ये है कि वो एक टाइम बाद अपने आप को या लोगों को अलग कर देते हैं। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। मैं भी एक टाइम पर लोगों पे डिपेंड रहती थी, जैसे अपनी खुशियाँ लोगों दूसरों पे डिपेंड कर देना, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, दैट्स अ क्वाइट इम्पॉसिबल। कि अगर लोग जो है वो अपनी दूसरों की खुशी में आप अगर अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं तो आप बर्बादी के कागार पे हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या लोग क्या कहेंगे, दैट डजंट मैटर, क्योंकि तुम अगर अच्छा भी करोगे तो भी लोग कहेंगे, खुश रहोगे तो भी लोग कहेंगे, कुछ नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे। लाइक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ, आई वॉज नॉट सो गुड माई फर्दर स्टडीज़, बट नाउ आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम अ गुड स्टूडेंट। पर लोगों का ना था एक टाइम पे कि यार पढ़ाई में अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं करना आता, लाइफ में कैसे आगे बढ़ेगी। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है, यार तुमने क्या उखाड़ लिया अपनी लाइफ में। मतलब जब बच्चा 10th या 11th या 12th में होता है तो उस टाइम पे उसका लोअर पीक चल रहा होता है। अगर वो डिप्रेस्ड हो भी जाता है अपने मार्क्स को लेके, अपने मिड सेम को लेके, तो लोग ना उसे जज करने लगते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं। होता है एक टाइम बाद ना लाइफ माइंडसेट जो होता है वो अपने आप चेंज हो जाता है, दैट डजेंट मैटर यार। कि हो सकता है मेरा माइंडसेट कुछ टाइम बाद खुले, हो सकता है मेरा माइंडसेट अभी पॉज हो या बाद में खुल जाए, तो लोगों का यार काम होता है क्या ना। अब देखो जब मैं 10th 12th में थी तो मैं पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं थी, तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस, मतलब आपके जानने पहचानने वाले लोग ही आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, भाई ये पढ़ने में नहीं अच्छी है, इसे घूमने मत भेजा करो, इसे कहीं मत भेजा करो। मतलब एक तो आप मेंटली तो डिस्टर्ब हुई, ऊपर से आप अपनी सोशल लाइफ में अपनी हैप्पी लाइफ से भी कट ऑफ हो जाते हो टाइम के बाद। प्यारी समझ गई। सो जब लोग अपनों से ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना एक टाइम के लिए, तब वो दूसरों में अपनी खुशियाँ ना ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो चीज़ अपनों में उसे नहीं मिलती है तो वो तीसरे में ढूंढने की ऑब्वियसली कोशिश करता है, और वो तीसरी चीज़ उसका फ़ायदा उठा सकता है, फ़ायदा नहीं भी उठा सकता है, या उठा सकता है, या इंटेंशनली हो सकता है या अनइंटेंशनली हो सकता है, इट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन द सिचुएशन। कि यार एक टाइम पे ना वो लोग दे आर सो नाइस टू यू, पर जैसे ही आप उन पर डिपेंड हो जाते हो, द वे ही और शी ट्रीटेड लाइक यू आर द वर्स्ट पर्सन एवर आई मेट, दैट्स कांट डिसाइडेड योर फ्यूचर, योर प्रेजेंट और योर पास्ट, इट्स डिपेंड ऑन यू, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। वेल डन,
गालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। एक टाइम के लिए हो सकता है कि आपको अगर ऐसा लगे कि हाँ यार फैमिली जो है वो सपोर्टिव नहीं है या मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती है, पर ट्रस्ट मी एक एज के बाद लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लोग आपके डिसीजन सुनेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ की एज होती है। अब वो आप पर डिपेंड करने को नहीं छोड़ सकते ना यार कि कैसे, मतलब तुम अपनी लाइफ के फैसले खुद लो, ऐसा नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एक टाइम बाद जब आप समझदार हो जाते हो ना तो सब कुछ ही करना पेरेंट्स बंद कर देते हैं, लाइक जस्ट योर फोन चेकिंग। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। हाँ, बैठाल कर इतने क्वेश्चंस नहीं करे जाते हैं, लोगों पर नज़र नहीं रखी जाती है, पर ये ट्रस्ट जो है ना वो तुम्हें खुद ही मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर ये ट्रस्ट जो है वो तुमसे उठ गया एक बार, ख़त्म यार, ख़त्म। ये ट्रस्ट ना कोई दूसरा उठ पाता है यार, ये समझ गई। लाइक एवरी वन टारगेट्स यू ना कि भाई तेरे तो 10th में इतने मार्क्स आए, 12th में इतने मार्क्स आए, तो लाइफ में क्या कर पाएगा। उनसे बोलो घुसो,